हेलो दोस्तों, क्या हाल है आप सबका। आज फिर से टेक न्यूज़ की अपडेट्स लेकर आपके लिए हाज़िर हुआ हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आप सबको तो पता है टिकटॉक इंडिया में बैन हो चुका है। वो किस रीज़न की वजह से हुआ है वो भी आप लोगों को पता है। उनकी गवर्नमेंट सोचती है, कह रही है कि हमारा डेटा, हमारी यूजर्स की प्राइवेसी है वो ख़तरे में है। चाइनीज़ गवर्नमेंट हमारा डेटा सील कर रही है। तो इसी रीज़न की वजह से USA भी टिकटॉक को बैन करने का सोच रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट किया, उसने यही कहा कि हमारी सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं तो इस वजह से हम भी टिकटॉक को बैन कर सकते हैं। तो टिकटॉक के लिए तो मुझे जो दुनिया है वो छोटी पड़ती नज़र आ रही है। तो होपफुली पाकिस्तान में भी जल्दी हो जाएगा। तो देखते हैं क्या बनता है। 2-3 दिन में लगता है कि टिकटॉक के लिए बुरी खबर आने वाली है। तो चलिए नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ चलते हैं। तो वो आ रही है 5G फ़ोन्स की तरफ से। तो जब से 5G लॉन्च हुआ है तब से हमारे दिमाग में यही चल रहा है कि 5G बजट फ़ोन्स में कब आएगा। बजट फ़ोन्स मतलब 15 से 20 के दरमियान में जो फ़ोन्स हैं उसके, उन फ़ोन्स में 5G कब आएगा। तो ये इंतज़ार इसी साल ख़त्म हो जाएगा क्योंकि मीडिया टेक की कंपनी है, उसने अपनी न्यू चिपसेट डायमेंसिटी 1000 5G चिपसेट इसी जो क्वार्टर है जुलाई अगस्त सितंबर इन 3 मंथ में लॉन्च करने का कहा है, कर सकते हैं। तो इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए, ये काफ़ी अच्छा चिपसेट है 5G का, तो इसी को मद्देनज़र रखते हुए अगले क्वार्टर अक्टूबर नवंबर दिसंबर के इसी साल में को हमें 15 से 20 हज़ार का 5G फ़ोन मिल सकता है। तो ये बहुत ही अच्छी न्यूज़ है बजट फ़ोन यूज़ करने वालों के लिए। तो चलिए अगले अपडेट की तरफ चलते हैं। तो अगली अपडेट आ रही है सैमसंग की तरफ से। सैमसंग ने गलेक्सी नोट अल्ट्रा की रिलीज़ डेट कंफर्म कर दी है। तो सेंट्रल यूरोप और इंडिया में 5 अगस्त को रिलीज़ हो सकता है। तो इसी, ये हर साल की तरह इस साल भी जो गैलेक्सी नोट सीरीज़ है उसको अगस्त में ही लॉन्च करेंगे। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट की तरफ चलते हैं। तो वो आ रही है रेडमी ने अपना न्यू फ़ोन Redmi 9A की प्राइस कंफर्म कर दी है, रिलीज़ कर दिया है। पाकिस्तान में 16 से 18K के दरमियान में ये है और बहुत ही अच्छा बजट फ़ोन है। 32GB 2GB में है। 6.53 इंचिस की IPS LCD कैप्टिव टच डिस्प्ले है। रेजोल्यूशन 720p x 16 पिक्सल्स है और 5000 mAh की बैटरी, ऑक्टा कोर का प्रोसेसर है। 13 MP कैमरा है, 5 MP सेल्फी कैमरा है। 3 कलर्स में आता है, ग्रे, ग्रीन, ब्लू, यानी कि वो जो खुद उन्होंने जो नाम दिया हुआ है, ग्रे मिडनाइट, ग्रेनाइट ग्रे, पीकॉक ब्लू, पीकॉक ग्रीन और मिडनाइट ब्लू, ऐसे करके नाम दिए हुए हैं। तो काफ़ी अच्छा बजट सेट है और बहुत अच्छा सेट है अगर आप 15 से 20 हज़ार के दरमियान में कुछ सेट देखना चाहते हैं। तो चलिए अगली अपडेट की तरफ चलते हैं। तो अगली अपडेट आ रही है वीवो Y12 की तरफ से और ये पाकिस्तान में लॉन्च हो जाएगा बहुत जल्द और बहुत अच्छा और तगड़ा सेट है ये। तो आज की वीडियो आप लोगों को कैसी लगी तो मुझे कमेंट में लाजमी बताएँ, लाइक करें और सब्सक्राइब करें अगर आप ये आवाज़ दोबारा सुनना चाहते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।